टेलीप्ले गुनहेगार ऑन जी थिएटर, जिस पर आज बात करते नजर आए एक्टर सुमित व्यास एंड डायरेक्टर आकर्ष खुराना। सुमित शेयर करते दिखे अबाउट हिज थिएटर एक्सपीरियंस विच ही हैज बीन डूइंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आकर्ष ने ये भी रिवील किया कि उन्होंने टेलीप्ले को इसीलिए डायरेक्ट किया सो दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स थिएटर लाइक पास्ट टाइम्स। यार गुनहेगार एक टेलीप्ले है जो हमने जी थिएटर के लिए किया है। जी थिएटर के लिए मैंने काफी काम पहले किया है और इस बार जब उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बोला कि जिस टाइप के नाटक हमने पहले किए उसका कुछ अलग चाहते हैं, थ्रिलर या एक मिस्ट्री टाइप का कुछ चाहते हैं, जो मेरे लिए भी नया था। तो मैंने बोला यार ये एक्साइटिंग है, एक सोचते हैं कि एक ऐसी कहानी जो और हो सके तो जो थोड़ा सा एक थिएटर का जो फील है कि एक कमरे में सेट है ये कहानी और एक्चुअली मतलब जो भी मिस्ट्री है, जो भी सस्पेंस है, वो एक्चुअली सिर्फ बातचीत में हो रही है। जो ये कैरेक्टर्स हैं और सब कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको दिख रहा है वो सच नहीं है, सब अपना कुछ छूट छुपा रहे हैं। शूटिंग वाइज भी जैसा हम शूट कर रहे थे, ऑल्दो तीन दिन में हमने ये शूट किया है, पर हम एक सीन पूरा एक साथ करते थे, वो काफ़ी थिएट्रिकल अप्रोच है। मैं जैसा हूँ उससे काफ़ी विपरीत है वो किरदार, वैसा ही करने में मज़ा भी आता है एक्टरों को। रियल थिएटर किया है मैंने, मैं असल में वही करता था पहले। वो लाइव होता है, नाटक तो लाइव होता है, उसमें ऑडियंस आपके सामने होती है, तो करीब करीब आप और ऑडियंस जो है एक साथ कई सारी चीज़ें अनुभव कर रहे होते हो। आप एक चीज़ महसूस करते हो और उसे एक्सप्रेस करते हो, और अगर अच्छे से करते हो तो ऑडियंस भी वो महसूस करती है, तो एक किस्म की एनर्जी होती है जो दोनों के बीच उस समय होती है, तो उसका अनुभव बहुत अलग होता है। मतलब आप जब भी कोई एक्टर एक कैरेक्टर निभाता है तो जाहिर सी बात है वो अपनी लाइफ से भी बहुत सारी कुछ चीज़ें उसमें डालता है, क्योंकि हवा से तो हम चीज़ें नहीं उठा सकते। उसके बिहेवियर पैटर्न को वो समझेगा और उसके बाद सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ से क्या क्या बोरो कर सकता हूँ इस कैरेक्टर के लिए।